Hello everyone, I am Himanshu Roda. Today we are going to discuss the important terms which are commonly used in the stock market. The first and the most important thing for you to study today is OHLC. OHLC stands for Open High Low Close. कोई भी एक शेयर होता है, कोई भी एक स्टॉक होता है, उसके एक दिन में चार प्राइसेस हो सकते हैं. एक वो वाला प्राइस जिसपे वो ओपन हो रहा है, इट इज कॉल्ड द ओपन प्राइस. एक वो वाला प्राइस जिसपे वो क्लोज हो रहा है, इट इज कॉल्ड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ टुडे. एक वो वाला प्राइस जो उसने आज हाई मारा, द हाई प्राइस. और इस पूरे दिन में आज जो सबसे लोएस्ट प्राइस गया है उसका, दैट इज कॉल्ड द लोएस्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड द लो प्राइस. सो OHLC स्टैंड फॉर ओपन हाई लो क्लोज. इन चारों में से भी फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस होता है क्लोजिंग प्राइस. ये क्लोजिंग प्राइस में पूरे दिन की पूरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड होती है. पूरे दिन में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आई, कोई भी नेगेटिव न्यूज आई. सो फॉर एग्जाम्पल, DHFL एक कंपनी है जिसमें आजकल बहुत मूवमेंट चल रही है. सो DHFL में ओवर अ पास्ट वीकेंड कोई एक न्यूज आई होगी जिसकी वजह से आज मार्केट की जब ऊपर खुली, जब DHFL खुला था वो बहुत ज्यादा ऊपर खुला, तो ओपन पे उसकी कल या परसों वाली न्यूज का इंपैक्ट था. मार्केट ने उसी के चलते एक ऊपर हायर लेवल मार दिया और उसके बाद प्राइसेस सीधा नीचे आ गए प्रॉफिट बुकिंग के चलते और प्राइसेस ने लो मारा. लेकिन पूरे दिन में चलते चलते फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई न्यूज आती है, DHFL की न्यूज आती है और किसी कंपनी की न्यूज आती है, ये सारी न्यूज का कलेक्टिव इंपैक्ट जो आपका आता है, ये आता है क्लोजिंग प्राइस के अंदर. तो क्लोजिंग प्राइस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस. सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज LTP और CMP. LTP stands for last traded price. Last traded price is the price at which the stock was the most recently traded. And CMP stands for current market price. Broadly इन दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन LTP जनरली हम बोलते हैं जब मार्केट क्लोज हो जाती है. सो मार्केट क्लोज होने पे पूरे दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या था, दैट वाज LTP. एंड CMP जो चलती मार्केट में प्राइस चल रहा है उसे हम CMP कहते हैं, विच इज द करंट मार्केट प्राइस. सो ब्रॉडली कंसेप्चुअली ये दोनों सेम है, बट थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर. नेक्स्ट टर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज ISIN. ISIN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर. इस दुनिया में जितनी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, इस दुनिया में जितनी सिक्योरिटीज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रही है, उन सबको एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है. दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर. आप नोटिस करेंगे इंडिया में ये सिक्योरिटी नंबर IN से स्टार्ट होता है, दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया. और अगर ये इक्विटी मार्केट का कोई स्टॉक है तो इसकी स्टार्टिंग होगी IN और फिर उसके बाद कुछ 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 नंबर लिखे हुए होंगे. सो ये ISIN नंबर होता है. हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, बट हमें पता होना चाहिए कि ISIN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर. और ये वो नंबर होता है जो हर सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया जाता है टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन एट अ लेटर डेट, कि कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड हुई है वो उसके ISIN नंबर से जानी जाएगी, जैसे कि आप और मैं हमारे एक नाम से जाने जाते हैं. नेक्स्ट टर्म फॉर टुडे टू अंडरस्टैंड इज बिड प्राइस एंड द आस्क प्राइस. आई जस्ट रब इट फ्रॉम हियर. Bid price and ask price. Have you ever seen some auction? आपने कभी कुछ चीज auction होते हुए देखी है? Auction में आप किसी चीज की bidding करते हैं. आप किसी चीज को, आप जब bidding करते हैं तो आप उसकी buying की bidding करते हैं. आप उसको buy करना चाहते हैं इसलिए आप उसकी bidding करते हैं. So the bid price is the price at which you want to buy. And the ask price or offer price is the price at which you want to sell. So in very simple terms, if you want to buy Reliance Industries stock at 1250, then you are bidding for it. And if I want to sell this stock to you at 1251, then this is called the ask price. Now you must have noticed that ask price is greater than bid price, and it will always be. क्योंकि अगर खरीदने वाला और बेचने वाला सेम रेट पे खरीदने और बेचने को तैयार है तो ये ट्रेड हो चुका होगा अब तक. क्योंकि बेचने वाला महंगा बेचना चाहता है, खरीदने वाला सस्ता खरीदना चाहता है, इसीलिए ट्रेड अभी आपको पेंडिंग शो कर रहा है. और ये जितनी बिड और आस्क, यहीं से हम अगली टर्म सीख लेते हैं, जितनी बिड और आस्क यहां पर सारे मेंशन है. सो बिड 1, बिड 2, बिड 3, बिड 4, बिड 5, आस्क 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे लाखों बिड और आस्क हो सकते हैं.
इस पूरी टेबल को हम बोलते हैं ऑर्डर बुक, जहां पर लेफ्ट साइड पे सारे के सारे बिडर्स होते हैं एंड राइट साइड पे सारे के सारे ऑफर करने वाले या बेचने वाले, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर बुक, दैट इज अदर टर्म. नेक्स्ट टर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज वॉल्यूम. वॉल्यूम कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. तो वॉल्यूम दो टाइप से हो सकते हैं, एक वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एंड दूसरा वॉल्यूम इन लैक्स. सो जनरली वॉल्यूम विच इज कोटेड इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम. और वो वॉल्यूम, अगर आप जितना वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है, अगर आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे या डॉलर्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिस प्राइस पे जितने शेयर ट्रेड हुए हैं, तो आज जितने शेयर ट्रेड हुए हैं ये हो गया उसका वॉल्यूम. और ये सारे के सारे शेयर किस किस प्राइस पे ट्रेड हुए हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा टोटल वैल्यू. दिस वैल्यू कैन बी इन मिलियंस, बिलियंस, लाख्स और करोड़ ऑफ रुपीज और डॉलर्स और व्हाटएवर यूनिट यू आर ट्रेडिंग इन. सो वॉल्यूम दो टाइप से हो गए, एक इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एंड टू इन द टर्म्स ऑफ इन द मॉनेटरी वैल्यू. नेक्स्ट टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस टू अंडरस्टैंड, दैट इज द प्राइस बैंड. एज द नेम सजेस्ट, प्राइस बैंड, ये एक बैंड है, ये एक लिमिट है, इसे हम बोलते हैं, इसे एक और नाम हो सकता है विच इज कॉल्ड डेली प्राइस रेंज और डेली प्राइस लिमिट. एक स्टॉक, नाउ इमेजिन आज आपने एक स्टॉक परचेज किया एक्स, द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज, प्राइसेस ऊपर गए 105 रुपए तक गए, लेकिन उसके बाद धड़ाम से नीचे आ गए, उसके बाद बहुत शार्पली वो नीचे आना स्टार्ट हो गए और उसके बाद उसका प्राइस आया 90 रुपीज, 80 रुपीज, 70 रुपीज, 60, 50. जैसा कि मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको अजीब लग रहा होगा, यू मस्ट बी फीलिंग पेन इन योर हार्ट एंड वॉलेट ऑफ कोर्स एंड इन योर अकाउंट ऑफ कोर्स. आपके लॉसेस आप देख नहीं सकते हैं. सेबी जो कि हमारी सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है, वो भी आपके लॉसेस को ज्यादा देखना नहीं चाहता है, ही इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग यू लॉसेस. सो इसीलिए उन्होंने सारे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के ऊपर, नॉट सारे, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के ऊपर एक प्राइस बैंड लगाया हुआ है. प्राइस बैंड का मतलब होता है आपका स्टॉक ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर नहीं जा सकता. सो आज के दिन में अगर आपका स्टॉक कल क्लोज हुआ था 100 रुपीज पे, तो आज के दिन में वो हाइपोथेटिकल नंबर्स 120 के ऊपर नहीं जा सकता और 80 रुपीज के नीचे नहीं जा सकता. दैट मीन्स 20% ऑन द अपसाइड एंड 20% ऑन द डाउनसाइड. सो 20% का इसका प्राइस बैंड हो गया. 20% ऑन द अपसाइड, हम इसको एक ही डायरेक्शन के अंदर देखते हैं. सो 20% ऑन द अपसाइड इज द प्राइस बैंड फॉर द अपसाइड मूवमेंट एंड 20% डाउनसाइड इज द प्राइस बैंड फॉर द डाउनसाइड. सो दिस इज कॉल्ड प्राइस बैंड. प्राइस बैंड दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है, एक होता है अपर बैंड और एक होता है लोअर बैंड. अपर बैंड आज आपका स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है और लोअर बैंड आज आपका स्टॉक कितना नीचे जा सकता है. तो जितना ऊपर जा सकता है वो उसका अपर बैंड हो गया, जितना नीचे जा सकता है वो उसका लोअर बैंड हो गया. इंडिया में आपके स्टॉक को तीन पार्ट्स में डिवाइड, आपके प्राइस बैंड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज 5%, सेकेंड 10% एंड थर्ड 20%. आपका स्टॉक या तो आज 5% ऊपर जा सकता है या 10% ऊपर जा सकता है या 20% ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है. तो ये होता है प्राइस बैंड. लास्ट टर्म इन द वीडियो दैट वी नीड टू स्टडी इज टिक साइज. टिक साइज इज द मिनिमम प्राइस मूवमेंट दैट अ स्टॉक कैन शो ऑन एनी पर्टिकुलर डे. रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 1250. अगला प्राइस उसका मिनिमम कितना हो सकता है? 1250 रुपए एक पैसा नहीं हो सकता है. इट शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 0.05. दैट मींस 5 पैसे की मूवमेंट कम से कम होनी चाहिए. तो 5 पैसे का उसका टिक साइज हो गया. थैंक यू गाइस, दीज वर द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द स्टॉक.